हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य और लुब्ध। आपको पता होगा कि सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट तारा है और उसके बाद अल्फा सेंचुरी आता है। इसका राइट आंसर सी बनेगा। पृथ्वी सूर्य का निकटतम तारा है और यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहीं पृथ्वी से लुब्ध दूरी 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। ध्रुव तारा 433 प्रकाश वर्ष दूर है और अल्फा सेंचुरी की दूरी 4 प्रकाश वर्ष के बराबर है। इसलिए सबसे नज़दीक कौन सा पृथ्वी के? सूर्य। और दूसरा तारा पूछ लेते हैं तो अल्फा सेंचुरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबको सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति और ओजोन की उपस्थिति। इसने कहा कि मंगल पर जीवन की संभावना के लिए सबसे उपयुक्त पूछा है, तो सबसे उपयुक्त जहाँ पर जल होगा वहाँ पर जल की संभावना होती है। अगर जल है तो वहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु, माइक्रो स्पीशीज पाने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी, बर्फ के घटक और हिमशीतित जल की उपस्थिति। मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ दिन का तापमान एवं वायुमंडल पृथ्वी के समान है। मंगल पर उपस्थित बर्फ की चोटियों एवं जमा हुआ जल वहाँ जीवन होने की पुष्टि करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र दिया है और 6 4 क्षेत्र हैं। एक ये क्षेत्र दिया है, दूसरा क्षेत्र ये है, तीसरा क्षेत्र ये है और चौथा क्षेत्र ये है। इन क्षेत्रों में से जहाँ की विशेषता तपत, शुष्क, ग्रीष्म, हकी, नम, शीत पवनों का मौसमी उत्क्रमण है, अंकित किया गया है। एक से, दो से, तीन से और चार से। इन चारों क्षेत्रों में से इसने पूछा है कि इन क्षेत्रों में से वह क्षेत्र जहाँ की विशेषता तपत, शुष्क, ग्रीष्म, हल्की, नम, शीत पवनों का मौसमी उत्क्रमण है, कहाँ से है? तो अब अगर जो ये उत्तर अमेरिका का जो क्षेत्रफल है, एक यहाँ पर जो मौसम की विशेषता है तपत होगा, शुष्क होगा, ग्रीष्म हल्की, नम शीत पवनों का मौसमी उत्क्रमण होगा। यह कैलिफोर्निया का क्षेत्र है जहाँ पर जो विशेषता बताई है ये विशेषता मिलेगी। गर्म भी होगा, शुष्क भी होगा ग्रीष्म ऋतु में और सम और आर्द्र होगा शीत ऋतु में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षुद्रों के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अक्षुद्र ग्रह से संबंधित पहले भी आया हुआ 1997 और 1998 में फिर पूछ लिया। अक्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी हैं, मलबे हैं, ये ठीक है। अधिकांश अक्षुद्र छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर है, ये भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें, अक्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि के कक्षा के मध्य में है। अगर आपको पहले वाला आंसर याद है कि अक्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, तो आप अगर तीन को एलिमिनेट करते हो तो हमारा राइट आंसर वैसे भी आ जाता है सी, एक और दो। आगे दिया है, दिए गए मानचित्र में से कुट का प्रयोग सही कौन सा सी है? ए, ये उत्तरी, मेरे अनुसार उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है। ए, बी नदी, सी नदी और डी नदी। इसमें क्या दिया हुआ है? ए नदी ये जा रही है, बी नदी ये रही, सी नदी ये रही और डी नदी ये रही। इनको आपको मिलान कर रहे हैं, एक ऑप्शन सेंट लॉरेंस, दो और निको, तीन मैकेंजी और डी अमेजन आप मिलान करना है। तो अब अगर हम देखें जो ए नदी है, ये युकान नदी है उत्तर अमेरिका में, जो ये ए नदी बह रही है ये कौन सी है? युकान नदी। और जो बी नदी है ये ऊपर से आई है, ये है मैकेंजी नदी, तीन बी का तीन आएगा। और जो सी नदी बह रही है ये सेंट लॉरेंस नदी है उत्तर अमेरिका में, यानी सी का एक आएगा। और डी नदी है जो यहाँ से निकल रही है, इसको ओरिनोको नदी कहते हैं।
ये उत्तरी अमेरिका की नदी है, आप इसको याद भी रख सकते हो और स्किप भी कर सकते हो क्योंकि सब कुछ तो याद रखा भी नहीं जाएगा। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न सतहों का क्रम हमने पहले भी किया है और मैंने आपको पहले भी कहा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसलिए आप इसको कर सकते हो। अक्षोभमंडल सबसे नीचे है तो इससे हमारे दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अक्षोभमंडल के बाद समतापमंडल आता है, समतापमंडल के बाद मध्यमंडल आता है तो ये ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा सी, अक्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसवां, बेला संगमी में एक रंजित डाइनोफेलजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुषुप्त पुष्पपुंज होते हैं, ये पुष्पपुंज कहलाते हैं, लाल सागर, सागर ज्वार, काला ज्वार और सागर पुष्प। जो एस्चुरीज में एक रंजित डाइनोफेलजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुषुप्त ब्लूम्स होते हैं, ये जो ब्लूम्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहते हैं लाल ज्वार, लाल ज्वार, लाल ज्वार एस्चुरी के पास मिलने वाले विशेष प्रकार के फूल होते हैं और यह पर्पल और गुलाबी रंग की दिखाई देती है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन देखा कि अक्षोभमंडल हमने पहले भी जिक्र किया है कि अक्षोभमंडल की ऊंचाई 16 से 18 किलोमीटर के बीच होती है और ध्रुवों पर ये कम होती है 8 किलोमीटर तक, और सब समतापमंडल 18 से 50 किलोमीटर तक होती है और मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर होती है और आयनमंडल 80 से 640 किलोमीटर तक